सो हे व्हाट्सअप गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है रियलमी यूआई 2.0 न्यू अपडेट फीचर्स के बारे में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रियलमी यूआई 2.0 का जो अपडेट है वो रियलमी 7 प्रो में आ चुका है। गाइस, यहां पर हमने डेडिकेटेड उस पर वीडियो बनाया है। जो अपडेट है उसमें आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ गाइस, आपको हमारे चैनल पर पार्ट 1 का वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिसमें गाइस हमने 20 प्लस ऐसे न्यू फीचर्स बताए हैं जो कि गाइस रियलमी यूआई 2.0 का न्यू अपडेट है वो रियलमी 7 प्रो में देखने को मिल चुका है। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। पहले गाइस पार्ट 2 देख लो, फिर पार्ट 1 देख लेना। तो चलिए गाइस, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को आज का जो वीडियो है वो पसंद आएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर मोर रियलमी अपडेट आप हमारे चैनल टेकरस को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस, यहां पर वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट करके बता दें आपके पास कौन सा डिवाइस है और उसमें कौन सा रियलमी यूआई का वर्जन अभी रन करता है। तो गाइस, यहां पर सबसे पहले जो अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि हमको देखने को मिल जाता है ऐप ड्रॉवर में। गाइस, यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको ऐप ड्रॉवर देखने को मिल जाएगा, जिसमें गाइस यहां पर एक मैनेज का न्यू ऑप्शन देखने को मिल गया है जो कि गाइस पहले के अपडेट में आपको देखने को नहीं मिलता था, जिसमें गाइस आप सॉर्ट बाय एप्लीकेशन को कर सकते हैं, यानी कि कब आपने इंस्टॉल किया उस समय के आप देख सकते हैं, एज वेल एज कौन सा यूज आप ज्यादा करते हैं उसको आप मैनेज कर पाएंगे, जो कि गाइस काफी कमाल की बात है। इसके अलावा गाइस यहां पर बात करें, एक दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहां से आप देख सकते हैं दो आपको टॉगल बटन देखने को मिल जाएगी। गाइस, यहां पर एक बार स्वाइप करेंगे तो आपको यहां पर फ्लोटिंग विंडो ऑन हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहां पर दूसरे के बारे में बात करें जो कि आपको देखने को मिल जाता है एज अ मिनी विंडो, तो गाइस यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको मिनी विंडो का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस मुझे तो काफी बढ़िया लगा क्योंकि यहां पर जो अपडेट है वो काफी मस्त है। तो गाइस यहां पर एक और अपडेट की बात करें, अगर आपको जो मिनी विंडो है वो देखने को मिल जाएगा, उसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इसको क्लोज कर पाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको क्लोज कर सकते हैं। तो गाइस जो ऑप्शन है वो तो मुझे काफी पसंद आया। इसके बाद गाइस यहां पर जो फ्लोटिंग विंडो है उसमें आपको दो तीन ऐसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी न्यू है, जैसे कि इस फ्लोटिंग विंडो को आप प्रेस करके होल्ड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिनी विंडो में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। एज वेल एज आपको यहाँ पर जो रिसाइज करना है, मीन्स फुल स्क्रीन करना है, तो इसको आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। गाइस यहाँ जो अपडेट है रियलमी यूआई 2.0 का वो तो काफ़ी मस्त है। इसके बाद गाइस यहाँ पर बात करें जो रिसेंट मेनू आपको देखने को मिल जाता है, आपको ऑक्सीजन ओएस की तरह देखने को मिल जाएगा, जैसे कि गाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी कमाल का है, जैसे कि आपको यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस में देखने को मिलता है, यानी कि वन प्लस स्टाइल में आपको यहाँ जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाती है। इसके बाद गाइस यहाँ पर बात करें, आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है उसमें आपको गाइस यहाँ पर यूजर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम टैप करेंगे यूजर्स को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको गेस्ट मोड, अपना ओनर नेम, और इसके अलावा अगर आप दो तीन और क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। इससे सिंपल सा ये होगा, अगर आप गेस्ट मोड में रन कर देंगे और इसके बाद गाइस अपना जो डिवाइस है वो आप किसी दोस्तों के देंगे तो उसको अपना फोटो है, अपनी प्राइवेट फाइल है, अपना व्हाट्सएप है, उसको गाइस वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो गाइस काफी कमाल की बात है और काफी मस्त जो अपडेट है वो अभी हमको देखने को मिल चुका है। यहाँ पर एक और अपडेट की बात करें जो कि हमको मिल जाता है नोटिफिकेशन में, जैसे कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ से गाइस फुल स्क्रीन में नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको आइकन पे के वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि गाइस वो तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक आपको लुक है वो प्रोवाइड कर देता है। तो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर जो अपडेट है वो अब देखने को मिल चुका है। गाइस यहाँ पर मैं अगेन कह रहा हूँ, पार्ट 1 देखना है तो उसकी जी लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद गाइस यहां पर बात करें, जो एक स्लाइडर आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह का, वो गाइस देख सकते हैं काफी बढ़िया आपको लुक है वो प्रोवाइड कर देता है। गाइस यहां पर जो स्लाइडर है वो पहले अपडेट में आपको देखने को मिलता था, बट अब गाइस यहां पर आप देख सकते हैं उसका जो एनिमेशन है वो काफी बढ़िया हो गया है। तो गाइस जो अपडेट एनिमेशन है उसको यहां पर इंप्रूवमेंट किया गया है। इसके बाद गाइस यहां पर बात करें, वॉल्यूम बटन में आपको एक और नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको देखने को मिल जाता है यहां पर जो नोटिफिकेशन है उसका वॉल्यूम। गाइस यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन का जो साउंड है उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। पहले गाइस यहां पर एक भी ऐसा डिवाइस नहीं है कि जो नोटिफिकेशन का डेडिकेटेड आप वॉल्यूम है उसको चेंज कर पाओ। गाइस हालांकि अब तक ऐसा होता था कि आप अपने जब फोन का वॉल्यूम कम करते थे तो अपनी जो नोटिफिकेशन है उसका भी साउंड कम हो जाता है, बट अब गाइस यहां पर अगर आप अपना जो कॉल है उसका नोटिफिकेशन डाउन कर देंगे तो उसके बाद गाइस यहां पर जो नोटिफिकेशन वॉल्यूम है उसको आप हाई पर सेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं जो डिजाइन और एनिमेशन है वो तो काफी बढ़िया आपको यहां पर देखने
देखने को मिल जाता है। इसके बाद गाइस यहाँ पर बात करें सेटिंग में, तो सेटिंग में आपको काफी सारे मस्त फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिस पर मैं काफी गाइस यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो में बताया कि क्या न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। फिर भी गाइस यहाँ पर ऐसे फीचर रह जाते हैं जो कि हमको बताना भूल गया था, जो कि गाइस आपको एक मिल जाता है कनेक्शन एंड सेटिंग में। तो गाइस यहाँ पर आपको एक स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो का। तो एंड्रॉइड ऑटो में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास है कोई फोर व्हीलर तो गाइस यहाँ से इजीली कनेक्ट टू कार करेंगे और अपना जो डिवाइस है उसको कार के साथ मैच करेंगे तो आपका जो डिवाइस है वो बिल्कुल कार के साथ मैच हो जाएगा, अपना जो डिस्प्ले है वहां पर शेयर हो जाएगा, जैसे कि जब टीवी के साथ पेयर करते हैं वैसे ही कुछ यहां पर हो जाएगा। जो कि गाइस मुझे तो अपडेट काफी बढ़िया लगा क्योंकि इस तरह का अपडेट मैंने ऐसा कोई भी डिवाइस में नहीं देखा है। इसके बाद गाइस यहां पर बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन में भी काफी बड़ी आपको यहां पर अपडेट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एक मिल जाता है मैनेज नोटिफिकेशन का। उसको छोड़ के गाइस यहां पर आप चेक करेंगे स्टेटस आइकन को, तो यहां पर अगर आप डेडिकेटेड किसी भी आइकन पैक को डिसेबल करना चाहते हैं, जैसे कि यहां पर बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं, इसके अलावा वाईफाई देख सकते हैं। मान लो अगर आपको बैटरी को ऑफ करना है तो सिंपल सा बैटरी को ऑफ कर देंगे तो अपना जो बैटरी है वो यहां से रिमूव हो जाएगा। तो गाइस यहां पर देखो बैटरी को हमने किया ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ पर जो डिवाइस है वो वाईफाई के साथ पेयर है, अगर वाईफाई को डिसेबल करेंगे तो वाईफाई भी हट जाएगा। तो गाइस जो काफी बढ़िया है, अगर इनमें से किसी भी टॉगल बटन को आपको रिमूव करना है अब आप गाइस इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाता है जो कि आपको सिस्टम क्लोनर में देखने को मिल जाएगा। चूंकि गाइस पहले लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि सिस्टम क्लोनर का काफी मस्त जो अपडेट है वो आप सभी लोगों को देखने को मिल जाता है, तो गाइस वो अभी आप चेकआउट कर लेना, सिस्टम क्लोनर काफी मस्त आपको ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर दो तीन और फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, जो कि आप कन्वीनियंस टूल में देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो देखने को मिल जाता है, बट अब की बार गाइस यहाँ पर आपका जो रिजोल्यूशन है उसको हाई कर दिया है, यानी कि गाइस आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये आप 1080p कर सकते हैं, जो कि काफी कमाल की बात है, पहले इस तरह का देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर एक और अपडेट स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मिल जाता है, जो कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय अपना जो फेस कैम है उसको अनेबल करना चाहते हैं, मीन्स गेम के समय अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं उसकी लाइव स्ट्रीम अपने मीन्स यूट्यूब पे करना चाहते हैं तो अब आप कर सकते हैं, अपने जो फेस कैम है वो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे, वो आप चेकआउट कर लेना। अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करना मत भूलेगा। इसके बाद गाइस यहाँ पर एक और अपडेट देखने को मिल जाता है जो कि नेविगेशन में आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर जो एनिमेशन है उसको आप चेंज कर दिया है, जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का नेविगेशन का काफी मस्त ट्यूटोरियल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि नेविगेशन जो पहले से ही था बट उसका जो एनिमेशन है वो काफी कमाल का कर दिया है। इसके बाद गाइस यहाँ पर बात करें और दो तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि असिस्टेंट बोल, अगर इसको आप ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह का बोल देखने को मिल जाएगा, जैसे कि MI के फोन में क्विक बोल आता है वैसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इतना गाइस मुझे कहीं खास तो नहीं लगा है, पर अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते तो आप कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पर क्विक रिटर्न बबल का, जो कि काफी लोग मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि भाई यहाँ पर क्विक रिटर्न बबल का ऑप्शन आया है या नहीं, तो यहाँ गाइस क्विक रिटर्न बबल का जो ऑप्शन है वो आप सभी लोगों को देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होगा, अगर आपका किसी भी नोटिफिकेशन आता है वाइल आप प्लेइंग गेम करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उसके यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा जिसे फेसबुक मैसेजिंग में आता है, तो यहाँ जैसे टैप करेंगे तो अपना जो डेडिकेटेड वीडियो मीन्स एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पर स्मार्ट स्लाइडर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि पहले से मैंने बता दिया, जिसमें काफी मस्त आपको ट्रांजेक्शन है वो देखने को मिल जाता है। इसके बाद गाइस यहाँ पर बात करें कैमरे की, तो कैमरे गाइस आप देख सकते हैं काफी मस्त एक अपडेट आया है, जैसे कि गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कैमरे में जो जूम का ऑप्शन है, अगर यहाँ से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का अप एंड डाउन जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का जूम होगा, जूम आउट होगा, जूम इन होगा, जूम आउट होगा, जो कि काफी मस्त आपको यहाँ पर लुक है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गाइस मैं आपको फोटो को क्लिक करके दिखाता हूँ, एक और नया अपडेट आया है, जिससे कि आपने फोटो कर लिया क्लिक तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको देखने को मिल जाता है सेव एंड एडिट का। अगर आप गाइस यहाँ पर फोटो क्लिक करके इसको एडिट करना चाहते हैं तो सिंपल सा इस एडिट बटन पर आप टैप कर देंगे तो अपना जो फोटो है उसको यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें गाइस काफी सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। काफी बढ़िया आपको यहाँ पर जो न्यू डिजाइन है वो देखने को मिल जाता है। इसके एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर शेयर करना है तो इस तरह से स्वाइप अप करेंगे और यहाँ से शेयर कर देंगे तो किसी भी तरह आप अपने जो सोशल मीडिया है उसके साथ शेयर कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारा न्यू अपडेट आपको Realme UI 2.0 में देखने को मिल जाता है, जो कि आपके Realme के कोई भी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। अगर गाइस आपके पास Realme 7 Pro, Realme 7
और कोई सा है, मैं रियलमी एक्स की कोई भी डिवाइस आपके पास है तो इसमें सभी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि गाइस इस डिवाइस में एक और लोचा देखने को मिल जाता है, यानी कि जो स्क्रीन है उसमें आपको AOD का जो सपोर्ट है वो न्यू वाला वो देखने को नहीं मिलता है। हालांकि कब आएगा वो हमको मालूम नहीं है, बट रियलमी टीम बता रही है कि जो नेक्स्ट अपडेट है टेस्टिंग खत्म होने के बाद आपको देखने को मिल जाएगी। गाइस फिलहाल हमारे पास है रियलमी 7 प्रो, एक कंप्लीट हो चुका है पार्ट 2। अगर पार्ट 1 भी देखना है तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, हमने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बना के रखा है। तो आप सभी लोगों को जो Realme UI 2.0 का जो डेडिकेटेड वीडियो है वो पसंद आया होगा। पार्ट 1 देख लो, पार्ट 2 देख लो और कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सा फीचर आपको बेस्ट लगा, आप इनमें से कौन सा फीचर यूज़ करते हैं और कौन सा फीचर अभी भी मिसिंग है जो कि आपको Realme UI 2.0 में चाहिए। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा लंबा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपने यहाँ तक हमारा जो वीडियो देखा है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइस यहाँ पर आने वाले दिनों में काफ़ी सारे Realme के जो अपडेट है वो आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।